नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सीपी प्लस के इजी कैम प्लस जो हमारा मॉडल आता है E21A, इसका लाइव प्रीव्यू हम किस तरह से लैपटॉप पर देख सकते हैं। मोबाइल पर तो हम देखना जानते ही हैं, और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैसे जो है इजी कैम प्लस का जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से सेट करना है, सारे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लैपटॉप पर यदि हमें लाइव प्रीव्यू देखना हो तो कैसे, क्या स्टेप्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ खोल लेता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक URL टाइप करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस URL का मैंने बुकमार्क बना लिया है, तो मैं बुकमार्क्स में जाके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये URL है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या एक्चुअल एड्रेस है, क्या easycam.cppluscloud.com/login। ये एड्रेस आपको टाइप कर लेना है अपने ब्राउज़र में, ठीक है, और इंटर दबाइए। इंटर दबाने के बाद आप देखिए, आपको इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। एक काम आप कर सकते हैं, ये बार बार आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको टाइप करने में भी मतलब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस एड्रेस का बुकमार्क यहाँ स्टार दबा के इसका बुकमार्क आप बना सकते हैं। बना के उसका फोल्डर सेलेक्ट करके डन कर दीजिएगा, तो आप जो है इसे बार बार जो है आप बुकमार्क से ही सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसका ये बुकमार्क रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यहीं से आप क्लिक करके सिंगल क्लिक से आप इसे यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं इस पेज पर। तो इस पेज पे हम आ चुके हैं। इसका देखिए हेडिंग लिखा हुआ है स्मार्ट कैमरा टर्मिनल। इसमें ये काफ़ी लैंग्वेजेज में ये वेबसाइट आता है, जैसे कि ये इंग्लिश है, इस तरह से पुर्तगीज, स्पेनल है ना, हिंदी नहीं है, तो अब हम इंग्लिश पर ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिल रहा है एक बारकोड। बारकोड को स्कैन करने के लिए हमें बोल रहा है। अब हमें देखना है कि हमें यह स्कैनर कहाँ से मिलेगा जहाँ से हम इस बारकोड को स्कैन करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, आप आ जाइए अपने मोबाइल पे, ठीक है। ये मोबाइल पे आ गए हम। इसमें आपको इजी कैम प्लस जो है इसके सॉफ्टवेयर को ओपन कर देना है। ओपन करते ही पहला इंटरफेस इस तरह का आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए मी लिखा हुआ है, मी को टच करिए। मी को टच करते ही यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर में देखिए, ये एक बॉक्स बीच में माइनस का साइन आ रहा है, ये स्कैनर है, इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपको क्या करना है, इससे आपको स्कैन कर देना है। देखिए स्कैन हो चुका है ना, स्कैन हमने इसे कर लिया और ये स्कैन हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। कैंसिल किए, ये हमने स्कैनर खोला, स्कैनर खोल के यूँ देखिए स्कैन कर लिया, ठीक है। स्कैन करते ही देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कन्फर्म लॉगिन, आपको कन्फर्म लॉगिन पर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही हमारे मोबाइल का जो है काम ख़त्म। सेव आप साइड में रख दीजिए। अब आ जाते हैं हम लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे देखिए कैमरा हमारा ऑन हो चुका है, और कैमरा की जो ऑडियो है बाहर से वो आना शुरू हो गया। इसको हम यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम इसे म्यूट कर सकते हैं। देखिए मैंने म्यूट कर दिया, प्लस साथ ही साथ ये तो स्पीकर आउटपुट आ गया, माइक इनपुट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके थ्रू आप अपनी वॉइस को कैमरा से आउटपुट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ ओपन माइक जैसे करेंगे ये रेड कलर हो जाएगा, इन कॉल यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ऊपर में। अब आप जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कैमरा से वहाँ पर आउटपुट, वॉइस आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो फिर दोबारा इसको तब क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, वन वे हो जाएगा, मीन्स बाहर की आवाज़ हम सुन पाएंगे, हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। तो ठीक है, हम स्पीकर को भी बंद कर देते हैं, नहीं तो ये जो है नॉइज़ अभी जो है आते रहेगा, तो हमारी और आपकी बातचीत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। चलिए और क्या फंक्शंस हैं यहाँ पर, तो ऊपर से देखते हैं, ये माय डिवाइसेस यहाँ पे आपको लिस्टेड रहेगा, ठीक है। माय डिवाइसेस लिस्टेड है यहाँ पर, CP E21A 14096
और यहाँ पर देखिए इसके यहाँ अभी एक डिवाइस रजिस्टर्ड है, यदि और भी डिवाइसेस रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पे सारे नाम आपको यहाँ पर सीरियली लिस्टेड रहेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर से चलते हैं, यहाँ कैमरा का मॉडल कैमरा नेम जो सेट किए हुए हैं वो देखिए आ रहा है E20 14096, ऑनलाइन शो कर रहा है। और ये SD और HD में आप यहाँ से टॉगल हो सकते हैं, HD हम रखते हैं। स्पीकर को फिर म्यूट कर देते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये बॉक्स का साइन है विद एरोस, ये हो गया फुल स्क्रीन। इसको प्रेस करते ही देखिए हमारा कैमरा फुल स्क्रीन में व्यू होने लगा है, ठीक है। प्लस जैसे ही माउस को हम हिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं, इसके इस तरह से कमांड दे सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ है स्पीकर का, तो वॉल्यूम हो ही गया, वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना, फिर म्यूट कर देते हैं। फिर यहाँ माइक का भी ऑप्शन आ रहा है, तो फुल स्क्रीन से भी आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम इसके नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर लाइव व्यू है, क्लाउड सर्विस, अभी नो क्लाउड सर्विस अवेलेबल, इसका प्लान लेना पड़ता है, तो इससे बेटर आप SD कार्ड लगा दीजिए, है ना। अच्छा, प्लेबैक जो फंक्शन है वो आप सिर्फ मोबाइल में ही देख सकते हैं, यहाँ पर आप SD कार्ड से प्लेबैक नहीं कर सकते हैं। देखिए ये मैसेज दे रहा है, डिवाइस डज नॉट सपोर्ट, ओके। फिर यहाँ कोने में आते हैं, बॉटम राइट, यहाँ पर हमें तीन बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। यह है सिंगल व्यू, यह है 4 कैमरा एट वंस, 4 कैमरा को आप एक साथ देख सकते हैं, और ये हो गया 9 कैमरा एट वंस। तो 9 कैमरा को सर्वलेंस पर रखना हो एक साथ तो ये 9 वाला मोड, ये 4 वाला मोड और ये सिंगल मोड, एक कैमरा है तो सिंगल मोड पे हम फुल स्क्रीन देख लें। सिंगल मोड वाले भी पाते हैं तो एक कैमरा पूरा पूरी आपको दिखेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये हाँ ईमेल आईडी हो गया, ये लॉग आउट कर सकते हैं। एक यहाँ पर देखिए ये हरे रंग का बटन है, यहाँ पर इस जगह पे आपको दिखाता हूँ मैं, इस जगह पे हरे रंग का, ये देखिए ग्रीन रंग का पावर बटन टाइप का यहाँ पर दिखा रहा है, इसको दबाते ही कैमरा हमारा स्टैंड बाय हो जाएगा। ये देखिए अब कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। फिर कैसे करेंगे इसको वापस व्यू देखना हो तो यहाँ पर जो कैमरा का सीरियल नंबर है यहाँ पर आइए, इसको डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करते ही स्टेबलिशिंग चैनल, और ये फिर से हमारा कैमरा लाइव हमें दिखने लग गया। स्पीकर को म्यूट कर देते हैं, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक, यूजर इन्फो, ईमेल आईडी, कंट्री रीजन, यहाँ से भी लॉग आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ही लगभग लगभग सारे फंक्शंस मैंने बता दिए, तो मुझे लगा कि ये फंक्शन भी जो है काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, यदि लैपटॉप पे हम ब्राउज़र में ओपन करके और उसको मिनिमाइज़ करके रख सकते हैं, और तुरंत देखना हो तो फिर उसे मैक्सिमाइज़ करके ब्राउज़र को देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, और जो काफ़ी यूज़फुल वीडियो साबित हो सकता है, तो इसलिए मैंने आप इस पर एक वीडियो बनाया। तो इसके इसी तरह से हम एंड्रॉयड टीवी पर भी इसको देख सकते हैं लाइव, तो उसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा कि अपने एंड्रॉयड टीवी पर, स्मार्ट टीवी पर किस तरह से आप कैमरा का लाइव ऑन कर सकते हैं, लाइव प्रीव्यू। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक इंतज़ार करिए। ये वीडियो होप आपको सभी को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन, न्यू वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, है ना, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।